ये इंडियन आइडल वगैरह सब फेक होते हैं, पता है उसमें जाने का कितना पैसा लगता है? तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल हुआ कि इंडियन आइडल के ऑडिशंस वगैरह सब फेक होते हैं और उसके अंदर कितने पैसे लगता है, कितना खर्चा लगता है, कितना पैसा आपको चाहिए कि आप इंडियन आइडल के ऑडिशन में जा पाए। तो आज इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ मैं बात करने वाला हूं। और आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि इंडियन आइडल के ऑडिशन जल्द ही आने वाले हैं, तो वो ऑडिशन आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ही क्विक वीडियो होने वाला है। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि इंडियन आइडल के ऑडिशन में कितना पैसा लगेगा, क्योंकि वो बहुत लोगों से सुन चुके होते हैं कि ऐसे रियलिटी शोज में जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जब आप ऑडिशन में जाते हैं तो आपको उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे मन में भी होती है, बहुत सारी कहानियां हमने सुनी भी होती है कि इस ऑडिशन में जाओगे तो सिलेक्ट होने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए चाहिए रहेंगे। तो आखिर सच क्या है, क्या रियलिटी में इंडियन आइडल में जाने के लिए पैसे चाहिए, और चाहिए तो कितने चाहिए? तो हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के साथ इंडियन आइडल से रिलेटेड बैड एक्सपीरियंस हुए होंगे, और मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @prabinsingofficial, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन आइडल ऑडिशन के नाम पर किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता है। लेकिन अब जो बोलते हैं कि इसमें 1.5 लाख रुपए लगते हैं, हम गए थे, हमें इसमें इतना पैसा लगता है, तो क्यों बोलते हैं? तो जब इंडियन आइडल के ऑडिशन शुरू होते हैं, बहुत सारे ऐसे फेक लोग, स्पैम और एक्टिविटीज एक्टिव हो जाती है कि आपको झूठे नंबर से कॉल करते हैं कि आपका ऑडिशन सिलेक्शन हो गया है, कि आपको ऑडिशन के लिए बुलाया गया है, और आपको अलग जगह बुलाकर आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो ये सब फेक होता है। रियल इंडियन आइडल का जो ऑडिशन होता है उसके अंदर आपसे 1 रुपया भी चार्ज का नहीं लिया जाता है। अब मैं आपसे सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इंडियन आइडल के ऑडिशन दोगे तो आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि यह शो किसी से भी कोई पैसा चार्ज नहीं करता है, और ये इंडियन आइडल की ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अगर आपसे इंडियन आइडल के अंदर ऑडिशन के नाम पर 1 रुपया भी मांगा जाता है तो आप उस पर केस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल लीगली है। तो अगर आपसे इंडियन आइडल के अंदर पैसा मांगा जाता है तो आप उनकी टीम को मेल कीजिए या फिर आप सीधा उन पर केस भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल लीगल है, क्योंकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है कि वो शो के नाम पर किसी भी कोई पैसा नहीं मांगते हैं, और ये सब फेक अफवाह है। आप बहुत सारे पेड ऑडिशंस होते हैं जो पैसा लेकर ही आपको टीवी पर लाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहा, उस पर भी मैं पूरा डिटेल वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। पेड ऑडिशंस अलग होते हैं, रियलिटी शोज के ऑडिशंस अलग होते हैं। रियलिटी शोज में ज्यादातर आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि उनका मोटिव आपसे पैसा कमाना नहीं होता है, क्योंकि उनका मोटिव होता है पूरी दुनिया से पैसा कमाना। बात तो सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको इंडियन आइडल में जाने के लिए कोई पैसा या कोई चार्ज उनको नहीं देना है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम बगड़ी, जय हिंद।